अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन ओमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और यहाँ से हमारा वीडियो जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ये सब बॉयज देखने का नतीजा है। द बॉयज देखा उसने उसके अब्बा के साथ, इसके लिए भूत वाला यही वो है ना। मैं तो बस हो गया। हैरी पॉटर याद आ रहा है मेरे को। तो ये था हमारा जो कॉमेडी शो, अब ये खत्म हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे मौसम का मजा लेते हुए और अब हम करेंगे बारबेक्यू। अंगार इजान, अंगार बारबेक्यू करने में अपना ही मजा है, एक फन है। लेकिन उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है कोयला जलाने की, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी देर मशक्क़त और अलग अलग पैतरा आजमाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोयला जो है ठीक ठाक जला लिया था। वो कहावत है ना फ्रेंड्स कि अंगार जो है ज़बान से लगाना आसान है, यानी बातों से जो अंगार लगाते हैं लोगों के बीच वो आसान है, लेकिन कोयले में अंगार लगाना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा देखिए टाइम में खत्म करोगे, रख दो थोड़ा और भी है। हाँ और भी है, ये लो प्रसाद। हाँ चीज क्यूब लग रहा था, अलमराई है, अलमराई चीज क्यूब्स लग रहे, चीज क्यूब है ना, मेल्ट हो जाएगा उसके ऊपर। एक्चुअली सब ले लिए, एक ब्रश लेना बाकी है, वो भी लेना पड़ेगा लगता है। जला जला खबूस बन गया उसका। आग लग गई उधर, आग आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। आग को बुझाना तो सिखाया ना माँ और बहू ने। लो अभी डालू, बुझाओ उसको, बुझाओ। हाथ जला लेंगे। बीवी और माँ में कैसा आग बुझाते? नहीं बुझाते, बीवी वालों से छोड़ के भाग जाते। पाशा भाई बोल रहे जल्दी पक पे, मुझे भूख लगी है। बटर थोड़ी है, बटर लगा, बटर 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 बटर। भाभी छुरी से लगाओ, छुरी से, छुरी से लगाओ, छुरी से, हाथ से मत रखना चलेगा। अरे पहले पकने दो। आंटी देखो आपकी बेटी सच में बारबेक्यू कर रही है, ओके? मैंने वह सबूत ले लिया। तो रेडी है बात मेरी, आप तक मेरी बेटी गई ओके? भूखे जल्दी बताओ कैसा लगा। नाचो नाचो, खाना आ जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हो गई है गाइज, और रात को हम लोग काफ़ी देर तक जो है बातें करते रहे, खेलते कूदते, टाइम निकल गया 3 बज गया, फाइनली हम सो गए। क्योंकि यहाँ पे कैसे गर्मी के वक्त गर्मी नहीं थी, जैसे कि मस्कत में काफ़ी गर्म है, लेकिन जबल शम्स में जो था मौसम बहुत ही नॉर्मल था, टेम्परेचर ठंडा था। और यहाँ पे जो है हमारी थोड़ी सी मस्ती करने की सूची है, तो यहाँ पे हम जैम ब्रेड जो सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे थे और साथ में चाय जो है वो हमने ऑर्डर कर लिया था, तो उस जैम ब्रेड में हम जो है सेजवान चटनी का टच देने वाले हैं। कुछ गिरा नहीं तुम्हारा पैर, ये तुम खा लेना। हमारा तीखा मीठा ब्रेड जो है वो रेडी है, लेट्स गो टू सर्व। तो हाथ भूखे
होंगे तो पहले बुलावा बुलावा बाहर किधर चले नहीं गए काला तो आ रहा है काला का दिख रहा है काले ही के ना हम इधर के आंदे उस अरे ये स्टार्ट करो चाय और वो और ला रहे खाओ हाँ खाओ ओके ओके बॉस हटो खिड़की के पास मत रहो यहाँ पर नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और 11 बज गए थे सब फ्रेशन अप होके अब हम यहाँ से जो है निकलने की तैयारी कर रहे थे हमारी पहली गाड़ी निकल गई है दूसरी गाड़ी भी निकल रही है और इसके बाद फिर हम रास्ते में जो है नमाज पढ़ते हुए फिर निजवा होते हुए फिर जाएंगे मस्कत पर फिर से हमारे जो है रोड के लंबे सफ़र की शुरुआत हो गई है और रास्ते में वापस पहाड़ उतरते वक्त आपको देखने को अच्छे से मिलेगा कि कितने ही यहाँ पे रास्ते में मोड़ है और लेफ़्ट और राइट के टर्न है तो वीडियो में बने रहिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ साथ आप भी जबल शम्स के पहाड़ों का मज़ा लीजिए इधर से उधर चार दिन की बाहर है दुनिया जिंदगी नाम रख दिया किसने जिंदगी नाम रख दिया किसने मौत का इंतजार है दुनिया जगा जी लगाने की दुनिया जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये भी वीडियो अलग से बढ़ा देना ठीक है नहीं है अजल ही ने छोड़ा न किसरा नजारा और इसी से सिकंदर सफाते बिहारा पड़ा ठाठ सारा हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिदारा जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये खाक
शाम कैसे कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे जगह जी बचपन में बरसों खिलाया जवानी में फिर तुझे को मजनू बनाया बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया अचल तेरा कर देगी बिल्कुल सबसे वाला हो जीनत निराली हो फैशन निराला। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन मुझे और ज्यादा पार्ट्स नहीं बनाने इसके लिए मैंने ये आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर दिया। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।